जानना चाहेंगे कि बी टू बी कुछ इस बार एडिशन आप कवर करेंगे तो जी ऐसा फील होता है कवर के आपके साथ? जी बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था शूट करने के लिए बी ब्यूटीफुल मैगजीन के साथ. इट्स ट्रू टू इट्स नेम, मतलब आई फेल्ट वेरी ब्यूटीफुल आफ्टर दैट. और ये ईद को लेके था हमारा शूट, तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी कपड़े, मतलब बिल्कुल वो प्रिंसेस वाली फील आई. एंड आई वुड लाइक टू थैंक निश्रीन जो आज ट्रैफिक में स्टक है, वरना वो भी हमारे साथ होती. उन्होंने पूरा शूट कंसेप्चुलाइज किया एंड शी इज़ द वुमन हु मेड इट हैपन. एंड ऑफ कोर्स माय मैनेजर अभिषेक, जिसके बगैर ये नहीं होता. एंड मुझे एक बार ही थैंक यू बोलना था हमारे वेन्यू पार्टनर को, नॉटी यार, इतना प्यारा वेन्यू है यार आपका. और बहुत ही मज़ा आया. आई थिंक कवर गर्ल बनने का सपना हर लड़की का होता है जब वो छोटी होती है, तो मेरा सपना पूरा हो गया. जी जी, ये बहुत ही खूबसूरत मैगज़ीन है और टीम भी उनकी बहुत अच्छी है. अगर आप मैगज़ीन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही वो डिफरेंट डिफरेंट लुक्स करते हैं, आपको हर बार कुछ सेम नहीं लगेगा. मतलब उनका कभी, जैसे इस बार ईद को लेकर था तो कभी नवरात्रे को लेकर, तो हर बार इट्स समथिंग डिफरेंट एंड दे सेलिब्रेट डाइवर्सिटी विच आई थिंक इज़ वंडरफुल. एंड ईद की शूट तो बहुत अच्छी थी, बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट था और डिफरेंट लुक्स करे तो उसमें भी बहुत मज़ा आया और रियल लाइफ प्रिंसेस फील्स आई. शूट पुणे में था तो मैं एक्चुअली दिल्ली वाली हूँ, तो मैं स्पेशली दिल्ली से आई थी पुणे इस शूट के लिए और इट वाज टोटली वर्थ द एक्सपीरियंस. बहुत ही खूबसूरत शूट था, बहुत ही अच्छी टीम, बहुत ही अच्छे लोग. निश्रीन जी के बारे में जितना बोले कम है, काश वो आज हमारे साथ होती, वो एक्चुअली ट्रैफिक में स्टक है. पर शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन और उनके साथ काम करना बड़ा इजी है. लाइक आई वुड से इट्स लाइक रोइंग अ बोट इन द इजीएस्ट वाटर, बिकॉज वो इतनी लाइकेबल है, इतनी अच्छी है, इतने प्यार से सबको समझाती है कि लगता ही नहीं कि वो काम है. इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी सेट पे शूट करते वक्त. जी जी, तो रूममेट्स तो बहुत ही मतलब कैसे बताऊँ मैं, जो कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स फिल्म थी मेरे लिए, क्योंकि उसमें तीन कैरेक्टर्स करने थे मुझे और उसमें हॉरर भी है और साइकोलॉजिकल एलिमेंट भी है. तो मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया था, मैंने हमेशा किया था जैसे लाइट वाले जोन में. तो दिस वॉज नॉट ओनली अ थ्रिलर बट हॉरर एंड साइकोलॉजिकल हॉरर. तो ये बहुत ही एज एन एक्टर आई वुड से आज तक का मेरा सबसे मुश्किल रोल या रोल्स हैं, क्योंकि उसमें मैंने तीन किरदार निभाए हैं और लोगों को बहुत ही पसंद आया है, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ. और इट्स बिन ग्रेट रिस्पॉन्स, तो बहुत ही अच्छा है. ये मैंने जब बनाई थी फिल्म, मुझे याद है 2020 का टाइम था, लॉकडाउन का टाइम था, और उस टाइम मतलब पता नहीं था कि कैमरा मैन कौन होगा, तो मैंने अपनी मम्मी को कैमरा दिया था, कैमरा हायर करके फिल्म बनाई. और आज इट्स वन ऑफ द मोस्ट वॉच फिल्म ऑन MX प्लेयर. आपको कई अवार्ड मिल चुके हैं. जी जी जी, तो आई थिंक जब एक एक्ट्रेस को अवार्ड मिलता है वो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि हम एक्टर्स बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और जब हमारी मेहनत कहते हैं ना रंग लाए, तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत प्राउड मोमेंट होता है. और दादा साहेब फाल्के के टाइम पे मुझे याद है मेरा पूरा परिवार था मेरे साथ, मेरे मम्मा पापा, मेरे भाई भाभी. तो जब मैंने स्टेज से जब मुझे अवार्ड मिल रहा था, उनकी शक्ल देखी वहाँ ऑडियंस में, मतलब मुझे ऐसी फीलिंग ज़िंदगी में नहीं आई, और बहुत ही खूबसूरत फीलिंग होती है. और इतने ऑनरेबल लोगों से अवार्ड मिलना तो बहुत ही फ़ख्र की बात है, तो बहुत ही प्राइसलेस फीलिंग थी, बहुत ही खूबसूरत. जी तो क्या होता था कि जब 2020 हुआ था, और मेरा तो मेन करियर ही लॉकडाउन में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मैं मुंबई आई थी 2019 में सितंबर में, तो 6 महीने मैंने काम किया, कुछ एड्स वगैरह करे, पर मेरा जो रियल वेब सीरीज़ वाला वर्क सारा 2020 में स्टार्ट हुआ था.
तो मेरे बहुत सेल्फ टेस्ट ऑडिशंस होते थे, क्योंकि उस टाइम कोई इन पर्सन ऑडिशंस नहीं हो रहे थे. तो मम्मा पापा को भी मैं ऑडिशन करवाती थी. इनफैक्ट उन्होंने अभी अपना पहला नेटफ्लिक्स शो साथ किया है मम्मा पापा ने, क्योंकि वो ही क्यूज़ देते थे मेरे ऑडिशंस में. तो मैंने सोचा कि मम्मी को कैमरा का एक्सपीरियंस है, तो क्यों ना अपने घर वालों को ही पूरी टीम बना दी जाए. सिलेक्शन मैंने अपनी पिक्चर्स भेजी थी, और उनको क्योंकि ईद को लेकर था, तो उनको एक बहुत ही मुस्लिम पाकिस्तानी लुक चाहिए था. और जहाँ से मैं ओरिजिनली हूँ, डेर इस्माइल खान, मैं एक्चुअली एक हिंदू पठान हूँ, तो आई गेस इसलिए मेरा सिलेक्शन थोड़ा आसानी से हो गया. एंड ऑफ कोर्स जिन्होंने हमें कनेक्ट किया था, मेरे मैनेजर अभिषेक ने, उनके बगैर नहीं होता. तो मैं एक ऑथर भी हूँ, मेरी अभी एक किताब आई है 10 Fireflies, तो वो बिल्कुल जैसे दिल चाहता है फिल्मी थी, तो वैसी है. और उसमें लेकिन दो बहनें और एक भाई की कहानी है, तो भाई बहनों की कहानी है, कॉमेडी है, फिर उन भाई बहनों को रोमांस भी मिलता है लाइफ में, उनके जो करियर गोल्स होते हैं, एक मतलब बहुत ही यंग लोगों की कहानी है कि हम लोग कैसे स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, और कैसे यू नो जो कहते हैं थ्रू योर जर्नी ऑफ लाइफ, अगर आपके सिबलिंग्स आपके साथ होते हैं तो आपके सबसे अच्छे दोस्त आपके साथ होते हैं, क्योंकि आपके सिबलिंग्स ही मेरे हिसाब से आपके पहले दोस्त होते हैं. और मेरी एक और किताब रिलीज़ हो रही है रेडियंस, तो वो इंग्लिश पोइट्री है, और इसी साल सांझ सवेरे भी रिलीज़ हो रही है जो हिंदी पोइट्री है. इसके साथ साथ मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, और एक एक्ट्रेस हूँ, एक मॉडल हूँ, और एक होस्ट हूँ. इस सबसे पहले मैं एक लॉयर थी और KPMG में काम करती थी, तो सब कुछ ही किया लाइफ में. नहीं नहीं, देयर इज प्लेंटी फॉर एवरीवन. मेरा मानना है कि विमेन मल्टीटास्कर्स नेचुरली होती हैं, तो देयर इज प्लेंटी फॉर एवरीवन. तो अभी मेरी एक फिल्म है ब्लिंक और एक्ट नॉर्मल, जो MX प्लेयर पे आ रही है जी, अभी तो यही है फिलहाल. थैंक यू सो मच. हैप्पी ईद मुबारक, हैप्पी ईद, लॉट्स ऑफ लव टू माय फैंस. आई होप आप लोग खूब सारे डेट्स खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, सेवैयाँ खा रहे हैं, अगर खा रहे हैं तो मुझे भी खाने पे बुलाइए. और ईद बहुत ही प्यारा फेस्टिवल है, मतलब मुझे तो खाने पीने का बहुत शौक़ है. तो मुझे याद है बचपन में मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जो मुस्लिम है, तो वो हमेशा ईद के लिए ईद की दावत देती थी हमें. तो बड़े होते होते एक बड़ा प्यारा फेस्टिवल रहा है हम सब के लिए. और बस सेफ़ रहिए, क्योंकि फोर्थ वेव भी आ रहा है, तो सेफ़ रहिए, सेलिब्रेट करिए लेकिन सेफ होके, एंड लॉट्स ऑफ लव. आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़.